एंड द रेस्टोरेंट इज़ एक्चुअली अमेजिंग मैं यहाँ पर पिछले तीन साल से तो जा रही हूँ एंड आई कॉल इट माई ओन रेस्टोरेंट बिकॉज मेरा मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है मेरे रेफरेंस से यहाँ बहुत लोग जाते हैं और मैंने सोचा कि रियल रुखमा टॉक्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें आप लोगों के साथ दूसरे लोगों की स्ट्रगल्स और सेटबैक्स को शेयर किया जाए और बिकॉज़ बचपन में ही वॉज़ एक्चुअली बॉर्न नॉर्मल और उसके बाद उसको पोलियो का अटैक हुआ जिसकी वजह से वो अपाहिज हो गया एंड आई होप कि मैं जिस आइडिया पर काम कर रही हूँ वो सक्सेसफुल भी होगा इन थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बट आई थिंक हर चीज़ में कंसिस्टेंसी इज़ द कीम मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनादर वी लॉग सो टुडे आई वेंट टू लॉर्ड ऑफ फूड विच इज़ अ रेस्टोरेंट नियर शौकत खानम हॉस्पिटल उसी रोड पर ओ पी एफ सोसाइटी के पास ये रेस्टोरेंट है एंड द रेस्टोरेंट इज़ एक्चुअली अमेजिंग मैं यहाँ पर पिछले तीन साल से तो जा रही हूँ एंड आई कॉल इट माई ओन रेस्टोरेंट बिकॉज मेरा मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है मेरे रेफरेंस से यहाँ बहुत लोग जाते हैं और बड़ा अच्छा डिस्काउंट उनको मिलता है और बड़ा प्रोटोकॉल भी मिलता है मैं खुद भी अपने इवेंट्स जो हैं अक्सर यहाँ पर अरेंज करवाती हूँ वो भले बर्थडे uh, हो कोई गेट टुगेदर करना हो कुछ भी करना हो और लॉर्ड ऑफ फूड वाले जो है मेरी बड़ी इज्जत मेरी बड़ी कदर करते हैं और मुझे बहुत अच्छा खाना भी देते हैं मतलब लाइक प्रोटोकॉल एंड एवरी और उसके साथ साथ इकनॉमिकल बाकी सबके क्या मामलों है दैट आई डोंट नो बट द एम्बियान्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक वेरी गुड अच्छा सो so, बिकॉज uh, मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है यहाँ पर सो so, मैं अक्सर अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी लॉर्ड ऑफ फूड में करती हूँ रिसेंटली um, मैंने एक प्लान पर काम करना शुरू किया विच वॉज़ माई ओन प्लान और मैंने सोचा कि रियल रुखमा टॉक्स के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें लोगों के आ, साथ यानी आप लोगों के साथ दूसरे लोगों की स्ट्रगल्स और सेटबैक्स को शेयर किया जाए और उन्होंने कोई भी मकाम किस तरह से अचीव किया बिकॉज हर एक का जर्नी कोई सौखा तो नहीं होता सो so, उस पर मैं बहुत अरसे काम कर रही थी लास्ट ईयर भी मैंने काम शुरू किया और जीशान ज़िया राजा हैं अमेरिकन लाइस स्कूल चेन है स्पेशली लाहौर में बहुत फेमस uh, भी है सो so, बहुत इसकी ब्रांचेस हैं सो उसकी सोल ओनर बिकॉज़ वो ज़ीशान जो हैं वो मेरे कॉलेज uh, से ही पढ़ी हुई है बट मेरे से बहुत सीनियर है सो so, उनका एक इंटरव्यू किया बट मैं उसको एडिट नहीं करवा सकी uh, कुछ रीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई उसके बाद अच्छा फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली दोबारा से इस पर काम स्टार्ट किया सो आई वेंट टू लॉर्ड ऑफ फूड और जब भी मैंने वहाँ जाना होता तो मेरे साथ एक uh, फौज है वो अक्सर तैयार हो जाती है कि हमने भी जाना है हमने भी जाना है लेकिन खैर अब की बार मैंने खुद तैयार किया माई माई नेफ्यू वाज विद मी वन ऑफ़ माई कज़न वाज विथ मी उनको वहाँ अपनी एक्टिविटी कोई ना कोई चाहिए थी आई टुक माई मदर देयर और फिर uh, मतलब एक मेरी फ्रेंड है जो कि प्रोड्यूसर भी है एक्सप्रेस न्यूज़ पर अरीशा सो so, हम फिर सब गए बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी तो मैंने कहा चलें ये लोग अपना इन्जॉय कर लेंगे संडे है इनका भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा सो so, वहाँ जाकर शुगर मिला हुआ अच्छा उसके बाद मेरे गेस्ट आ गए <laughs> अरीशा तो अपनी है भाई हेलो मोहम्मद झिजान अभी हम क्या करने लगे हैं नो वी आर नॉट डूइंग फोटो शूट वी विल बी रिकॉर्डिंग अ सेगमेंट फॉर आर यूट्यूब दैट इज रियल रोहमा टॉक्स शी इज़ अरिशा और ये लाइट सेट कर रही है कैसा है? बहुत अच्छा है ना सो फिर मैंने जो मेरा पहला गेस्ट था उसकी स्टोरी थोड़ी सी हार्ड टचिंग भी है इस तरह से बिकॉज बचपन में ही वॉज एक्चुअली बॉर्न नॉर्मल और उसके बाद उसको पोलियो का अटैक हुआ जिसकी वजह से वो अपाहेज हो गया अली uh, मुस्तफ़ा इसका नाम है और मेरा इससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है एंड आई ट्राई टू हेल्प हिम आउट वेर एवर आई कैन जहाँ पर भी पॉसिबल होता है सो ही एक्चुअली केम ऑल द वे लॉर्ड ऑफ फूड आया बहुत दूर से आया को तो पाने की कोशिश की मेरा ताल्लुक एक गांव से है मैं जब मौजूद है वो जमीन के साथ आके लड़के के ऊपर सफर करता हूँ वो आम नॉर्मल बाइक नहीं है और यहाँ आकर इसने स्टोरी अपने हम मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर की जो कि मतलब एडिटिंग के प्रोसेस में है सून आई विल बी शेयरिंग द स्टोरी विद यू लेकिन कुछ हुआ ये कि अच्छा अली यहाँ पर आया फिर उसने अपनी तो स्टोरी शेयर की लेकिन उससे पहले हमें खुद मेहनत करनी पड़ी बिकॉज कैमरा मैन जो था वो आ, छुट्टी पर चला गया और मैं इंटरव्यूज़ लाइन अप कर चुकी हुई थी सो मुझे ख़ुद ही वो सारा काम करवाना पड़ा तो गाइस अभी रुफ़ाने ने मारी कैमरा मैन बनी है कैमरा मैन आ चुकी है वापस और ये अभी फोटो शूट कर रही है इनका ये सेट बेहतर ये काफ़ी बेहतर हो गया इधर आना इधर आओ इधर आओ चीजों को सेट करवाना पड़ा फ्रेमिंग लाइट हर चीज और मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज़ तो नहीं है इनमें बट बहरहाल मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ा और बस इस अंदाज में क्या अच्छा फिर जो मेरा दूसरा गेस्ट था उनका नाम अजीज़ रहमान है उनकी भी एक अपनी स्टोरी है स्ट्रगल है और वो स्ट्रगल इस हवाले से है कि ही यूज़ टू ही यूज़ टू डू अ जॉब इन सम टेक्सटाइल कंपनी तो वो बहुत ज़्यादा टाइम उनका टेक्सटाइल वाल वाली कंपनी खा जाती थी, थी। उन्होंने थोड़े से पैसे जमा किए और उन्होंने अपना स्टिचिंग यूनिट स्टार्ट किया बट किस तरह से किया अभी उनकी मतलब स्ट्रगल्स के बाद वो किस मकाम पर है वो भी एक स्टोरी थी जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मोहम्मद रहमान है और मैं एज ए मैनुफेक्चर हूँ जो अभी अपना चला रहा हूँ और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं तो किसी ने मुझे इस तरह से अली पापा का बताया फिर मैंने उसके ऊपर जो है ना उसकी फी ली बट द डे वॉज एक्चुअली गुड इट वॉज फन फील्ड और बिजी भी था काम भी किया एंड आई होप कि मैं जिस आइडिया पर काम कर रही हूँ वो सक्सेसफुल भी होगा इनशाला थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बट आई थिंक हर चीज़ में कंसिस्टेंसी इज़ द की. जहाँ पर आप कंसिस्टेंट होते हैं तो अल्टीमेटली यू आर सक्सेसफुल सो इनशाला आई हैवे फ्यू मोर प्लान्स बट इस पर एडिटिंग में काम हो रहा है सो so, इनशाला uh watching the videos and I will be needing your feedback also. So I thought ke is se bhi kind of vlog aap logon ke saath share kiya So this was my today's vlog and a kind of update. Stay tuned.